हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। और स्पेशल वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको जो है मैं एक बहुत ज्यादा खास चीज दिखाने वाला हूँ और बहुत ज्यादा जो है आपके वो काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो में जो है मैं आपको पूरा अंदर तक थोड़ा यहाँ पर लेके जाना चाहूंगा क्लिनिक में। और सीधे मैं आपको एक पर्सन से मिलाऊंगा जो बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको, और बहुत ज्यादा जो यंग जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, उनके लिए जो है बेस्ट है। कुछ बताने वाले हैं आपको, बहुत ज्यादा जो है आपके बात जो है काम में आने वाली है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और आपको एक से एक चीज जो है यहाँ पर सर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और ये कुछ जो है डिफरेंट वीडियो होने वाली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ है यहाँ पर जावेद खान साहब, और कुछ बताने वाले हैं कि स्पेशली मॉडर्न लोगों के लिए और जो मॉडर्न जनरेशन आ रही है, बहुत ज्यादा कुछ चीज उनकी प्रॉब्लम होती है। तो सर क्या आप बताना चाहेंगे क्यों, किस लिए है ये स्पेशल वीडियो, और क्या अपने हमारे दर्शकों को स्पेशल चीज क्या बताना चाहेंगे। बिल्कुल शाहरुख साहब, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने मुझे ये मौका दिया अपने व्यूअर से कनेक्ट होने का जी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है जिसकी खोज करते करते शाहरुख साहब यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो कि अपने बालों की समस्या को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे कि उनका बाल झड़ना या फिर गंजापन होना या फिर हेयरलाइन रिसीव करना या फिर उनके बाल हैं बट बहुत कम हैं या थिन हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को लेके जिनसे एक हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा परेशान चल रही है, एज वेल एज हमारे मिडिल क्लास लोग जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, काम ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है और अपने जवानी में ही वो अपने पूरे बालों का वो अपने बालों को खो चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस वीक हो चुका है। तो ये बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इन सब चीजों का सलूशन चाहते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़ी बड़ी जगह जाके इन नॉर्मली अगर आप किसी भी जगह पे ट्रांसप्लांट सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट आप अगर बात करते हो तो ये बहुत ज्यादा अमूमन बहुत महंगे होते हैं जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। तो ये वीडियो इन्होंने आपके लिए स्पेशली इतनी मेहनत करके, इतनी चीजें करके, दिल्ली में जो बेस्ट आपका ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, इन योर बजट और इन योर पॉकेट उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, सबसे पहले हम एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं आपको दिखा देता हूँ कि एजे हेयर एंड स्किन क्लिनिक में आपको क्या क्या मिलेगा। तो अभी जो है हम आ रहे हैं सर के कैबिन से। सर क्या था ये जिस कैबिन में बेसिकली हम बैठे थे, ये एजे हेयर एंड स्किन क्लिनिक में ये हमारा फर्स्ट कंसल्टेशन कैबिन है। जो कैबिन बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो अपनी परेशानी सबके सामने नहीं बताना चाहते वो कंसल्टेशन कर सकते हैं सेपरेटली रूम में बैठ के, तो प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कैबिन है कंसल्टेशन रूम 2। के बाद मैं आपको ले चलता हूँ हमारे तीसरे रूम के अंदर जो कि पीआरपी रूम है। पीआरपी रूम बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कि हमारा यहाँ पे इस तरफ है। पीआरपी के लिए हमारे पास यहाँ पे दो स्टेशन हैं, प्लस अच्छा खासा खुला रूम है, एंड हमारे पास यहाँ पे शैम्पू स्टेशन है फॉर द हेयर वॉश एंड ऑल, राइट। सो ये बेसिकली पीआरपी क्या है, क्या सर्विसेज हैं, इसके बारे में भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पीआरपी रूम है, यहाँ पे हमारी हेयर पीआरपी और स्किन पीआरपी भी होती हैं, और एज वेल एज जैसा कि आप रूम को देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैच सर्विस या पैच हेयर विक का काम भी हम करते हैं ऑन डिमांड। जिन लोगों को नॉन सर्जिकल जाना है, सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं बट स्टिल गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं, तो उनके लिए भी पैच प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपना लॉबी एरिया। अच्छा, तो ये जो है हमारा यहाँ पे वेटिंग एरिया है क्लाइंट्स के लिए, जो कि आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। एरिया काफी खुला है तो लोगों को असुविधा नहीं होती है। अगर हमारे पास 2-3-5 पेशेंट ज्यादा भी होते हैं तो वो
they can sit comfortably, right? और यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंतजाम जो है यहाँ पर दिख रहे हैं और पूरा जो है लॉन्च इतना अच्छा है इनका, मतलब हॉल एरिया इतना मतलब डिसेंट बना रखा है और जो हाइजीनिक जो टाइप होता है मतलब बिल्कुल साफ सुथरा जो है आपको यहाँ पर कुछ भी एक से कुछ नहीं लगी। देखिए जब आप बात करते हैं क्लिनिक की तो ऑब्वियसली हाइजीन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो खास ख्याल रखा गया है हाइजीन का। नॉर्मली अगर आप बजट की बात करते हैं, बजट में बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं कि या तो आपके डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे या फिर आपका जो एरिया होगा वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना हाइजीन नहीं होगा। सो नॉर्मली हमने इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए कि हाइजीन हो, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, अच्छी चीजें फैसिलिटी आपको मिले इन योर बजट, तो बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन एजे हेयर एंड स्किन क्लिनिक। तो कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज टू इजी टू अंडरस्टैंड समझने के लिए लगी हुई हैं। अगर आप देखोगे पीआरपी ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज्यादा थिन हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, बाल खत्म भी नहीं हुए हैं बढ़ भी नहीं रहे हैं, तो पीआरपी ट्रीटमेंट मतलब के आपका जो ऑक्सीजन है वो स्कैल्प में नहीं पहुंच पा रहा है आपके ब्लड के थ्रू, तो इसमें क्या करा जाता है, आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, उस ब्लड सैंपल के बाद उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है और प्लाज्मा अलग करने के बाद आपकी स्कैल्प में उसको इंजेक्ट किया जाता है। होता क्या है, जो भी आपके स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा वीक कंडीशन पे चले गए हैं वो वापस से एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि आपका अपना बॉडी ब्लड आपके ही हेयर ग्रोथ के लिए काम करता है। दिस इज कॉल्ड द हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट, बहुत ही यूजफुल है। एजे हेयर एंड स्किन क्लिनिक में आपको ये ट्रीटमेंट बहुत ही सरप्राइजिंग प्राइस पे मिलेगा। नॉर्मली पीआरपी के अलावा हमारे पास जो सर्विसेज होती हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो यूज करते हैं FUE टेक्नोलॉजी। ये एक नो पेन नो स्कार नो स्टिच टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी आपका कट नहीं लगाया जाता। FUE करते हैं उससे उसमें क्या करा जाता है बेसिकली, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे आपका होता है डोनर एरिया, कि कभी भी आपकी अगर कंसल्टेशन आपको करनी हो तो डॉक्टर को या फिर क्लिनिक में आप अपनी डोनर एरिया की फोटो भेजें, आपका जो इफेक्टिव एरिया है जो गंजापन हो चुका है और बाल झड़ चुके हैं उसकी फोटो भेजिए। इसके बाद आपकी जो सर्जरी होती है डोनर एरिया से हम फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं जो भी आपका एरिया जिसमें से बाल जा चुके हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, वन डे प्रोसीजर होता है सर्जरी का, पेशेंट अपने आप भी आके सर्जरी करा सकता है, आपको जरूरत नहीं है दो या चार दिन लोगों को लेके आने की। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि जम्मू से हैं, ऑल ओवर इंडिया से बेसिकली मेरे पास पेशेंट आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, ट्रेन में आते हैं और अपने आप सर्जरी करा के वो एक दिन में या दो दिन में अपना घर भी चले जाते हैं। अच्छा, और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर अगर कोई मतलब जैसे कस्टमर आपके पास आते हैं या फिर क्लाइंट जो अच्छी लगी आपकी ये चीज, तो उनके लिए रेट क्या होते हैं, वाजिब रेट होते हैं, क्या रेट का हिसाब है इसका? रेट जैसे कि मैंने अपनी वीडियो जब हम स्टार्ट हुई थी आपने जितनी रिसर्च करने के बाद आया हो और ये क्वेश्चन आपका लाजमी भी है अपने व्यूअर्स के लिए,
बेसिकली एजे हेयर एंड स्किन क्लिनिक आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट देता है, जो कि अमूमन आपको पूरी दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा हाइजीन सर्जरीज की कीमत लाइक सपोज आपकी 4 लाख 3 लाख 2 लाख होती है, एजे हेयर एंड स्किन क्लिनिक में आपको वही बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए हमारा जो प्राइस है बेसिकली ग्राफ तो देखिए डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो पर्सन टू पर्सन होता है कि किसको कितने ग्राफ्ट की जरूरत है। तो ग्राफ्ट तो देखिए हम तब बता पाएंगे जब आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजेंगे या खुद हमारा क्लिनिक विजिट करते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइस है वो इस वक्त चल रहा है 10 रुपए पर ग्राफ्ट। एंड इवन हमारा भी हमने ऑफर निकाला हुआ है, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है और आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफर है उन लोगों के लिए जो इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो हमारा भी ऑफर चल रहा है 30,000 में, 1 डे का प्रोसीजर है, उसमें अनलिमिटेड ग्राफ्ट हम दे रहे हैं। अच्छा। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑफर हमने निकाला हुआ है जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। सो 30,000 में 1 डे सर्जरी है विद अनलिमिटेड ग्राफ्ट। तो आई थिंक जिनको भी सर्जरी करानी है वो जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम या जो भी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, कोई भी प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करके ये ट्रीट करेंगे आपको। सर ये पूछना चाहूंगा ये ग्राफ सिस्टम क्या होता है, ये सर हमें बताएंगे ग्राफ सिस्टम क्या होता है। ओके, ग्राफ सिस्टम बेसिकली ऑब्वियसली आपका जो इफेक्टेड एरिया है, जो भी जहाँ से बाल जा चुके हैं उसके लिए होता है। और ग्राफ्ट जो होता है वो आपका डोनर एरिया, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके यहाँ पे पीछे की तरफ होता है, इसमें से निकाला जाता है। ग्राफ्ट मतलब आप बोल सकते हो कि एक बंच ऑफ हेयर, एक ग्राफ्ट में 2 से 3 या 3 से 4 हेयर भी हो सकते हैं, या किसी ग्राफ्ट में सिंगल हेयर भी हो सकते हैं। वो बॉडी टू बॉडी और ह्यूमन हेयर टू हेयर डिपेंड करता है कि आपके आप ही के डोनर एरिया में कितने ग्राफ्ट हैं, ठीक है। प्लस ग्राफ्टिंग के ही द्वारा आपका जो इफेक्टेड एरिया है वो कवर करा जाता है, और ग्राफ्ट के ही द्वारा आपका रेट डिसाइड होता है। एक लास्ट क्वेश्चन में करना चाह रहा था, आप जैसे हमने ग्राफ्ट लगवा लिया, ग्राफ्ट के बाद उसका जो है इफेक्ट कब तक इंसान पे शुरू हो जाता है, मतलब जो भी लगवाएगा ग्राफ्ट। शाहरुख साहब सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ये क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है, बहुत सारे फेक कमिटमेंट्स भी होते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो आप सर्जरी के बाद आपका अगर आप हेयर को वैसे भी पढ़ेंगे नेट पे, इसके फ्रेजेज होते हैं, फ्रेजेज होते हैं आपका बढ़ने का फ्रेज, गिरने का फ्रेज, रुकने का फ्रेज, जिसको हम एनाजन, कैटाजन, टेलाजन और ये सारी चीजें बोलते हैं। तो सर्जरी के बाद ये 3 फ्रेज में आपका काम करता है। पहला फ्रेज जो होता है वो शेडिंग फ्रेज होता है, जो कि 3 महीने का होता है। 3 महीने फिर आपको 4th महीने से आपका जो रिजल्ट है वो विजिबल होना शुरू होता है। ग्रोथ ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ विजिबल होना शुरू होता है, विजिबल मतलब दिखना शुरू होगा, और कंप्लीट रिजल्ट विजिबिलिटी के लिए आपको कम से कम 8 से 9 महीने, 9 महीने में आपका पूरा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। सो और इसके साथ मैं आपके सवाल के साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ, जिन लोगों का ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद हमारा ट्रांसप्लांट का जो हेयर है उसकी लाइफ कितनी है, कितना चलेगा, तो आपका ट्रांसप्लांट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, परमानेंट सॉल्यूशन होता है, कम से कम 20 से 25 साल कहीं नहीं गया है। ऑब्वियसली हर चीज की एक मियाद डिसाइड है, और उसके साथ साथ उसकी केयर भी डिसाइड है। केयर मतलब कि बहुत सारे ऐसे रीजंस जिसकी वजह से बाल जा सकते हैं जो नेचुरली गए थे, जैसे कि लोगों का खान पान ठीक नहीं है, लोगों मतलब पॉल्यूशन है, प्योरिटीज नहीं है, वर्कआउट नहीं करते हैं, या प्रॉपर विटामिन मिनरल्स इंटेक नहीं करते हैं, स्मोक ज्यादा करते हैं, ऐसी चीजें हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करना है, ऑब्वियसली आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अचीव करना है, ताकि आपका जो नेचुरल इफेक्ट है वो अच्छे से उसको सपोर्ट कर पाए, सपोर्ट कर, राइट। और व्यूअर्स, तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने, एकदम यंगर जनरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा यंगर्स को प्रॉब्लम रहती है बालों की, और जितने भी जो जैसे मिडिल क्लास हो गए लोग, और उनके लिए स्पेशल ये वीडियो हमने बनाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा सर ने, मुझे बहुत अच्छी बातें बताई हैं, पर बहुत आपके काम आने वाली है। एक बार ही बस कॉन्टेक्ट जरूर कर लेगा, सर का नंबर ये आ रहा होगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ भी पूछना हो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ भी जानना हो तो सर को एक बार याद कर लीजिए, सर आपको सारे सवाल के जवाब पर्सनली और कैबिन में बैठा के बढ़िया से करके चाय वाय पिला के आपको सारे आंसर कर देंगे।
आने का मैंने डिसीजन ले लिया। तो यहाँ मैं आया, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, पूरा स्टाफ काफ़ी अच्छा रहा मेरे साथ, काफ़ी कंफर्टेबल फील किया मैंने, और पूरा टाइम थेरेपी में मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा बिहेवियर सब पूरा स्टाफ का, डॉक्टर का काफ़ी अच्छा, सब स्वच्छता हर चीज़ में यहाँ बहुत अच्छी मैंने फील की। और सबको जानकारी देना चाहता, जैसे मैंने YouTube पे वीडियो वगैरह देखा करता था तो मुझे बताया जाता था कि आपको एनेस्थीसिया का जो दिया जाता है, डोज दिया जाता है, दर्द होता है। मुझे भी ध्यान दिया गया, कोई भी पेन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ।